साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुलिस भर्ती की घोषणा की है और उस घोषणा से हालांकि स्टूडेंटों में एक तरीके का इतना खुशी की लहर नहीं थी स्टूडेंट्स में, लेकिन अब 3 साल एज बढ़ा दी गई है और विधायक धीरेंद्र जी और अनूप शहर विधायक संजय जी के भी मिले थे मुख्यमंत्री से और इसकी उम्र सीमा 3 साल बढ़ा दी गई है। साथियों हम हैं मौजूद खेली नहर पर और एक कोचिंग सेंटर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाते हैं गजेंद्र भाटी जी और यहाँ काफ़ी युवा हैं जिनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे और सभी युवा जो है एक तरीके से उत्साहित है इस भर्ती को लेकर और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि 2018 के बाद ये भर्ती नहीं हुई तो हम पूरा प्रयास करेंगे अपने बदन पर वर्दी लाने का और सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं सरकार का विधायक का। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम नॉर्विन नागर है और मैं यहीं पास ही के गांव बागपुर से बिलोंग करता हूँ, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, हाल ही में अभी भर्ती की घोषणा हुई, काफ़ी समय बाद हुई क्योंकि 2018 के बाद में कोई पुलिस की भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा हुई तो उसमें उम्र कम थी, लेकिन यहाँ विधायक हैं जेवर के धीरेंद्र जी और अनूप शहर के विधायक हैं और लोगों ने भी प्रयास किया तो इसकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, मुख्यमंत्री योगी जी ने हाल ही में घोषणा की है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए और जिस तरीके से ये जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है, तो जैसे आया था नोटिफिकेशन में कि भाई 22 साल तक और जो 3 साल हर कैटेगरी को जो दिया है, तो इससे लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर बच्चे को मौका मिला है इस चीज़ का। जो बच्चा पहले एक भर्ती तो सबको मिलनी चाहिए और वर्दी का जो सपना होता है वो क्योंकि कोई भी है वो अपने हक के लेके जाता है, वो अपनी मेहनत के लेके जाएगा, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और योगी जी से बहुत ज़्यादा मेरी जो मेरे हीरो मानता हूँ मैं उनको एक तरीके से, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे ये बात कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम निखिल भाटिया और मैं चीड़सी गाँव का रहने वाला हूँ। अगर निखिल जी, हाल ही में जो घोषणा हुई है जी, तो उम्र सीमा बढ़ाने की 3 साल बढ़ा दी गई है जी, उससे काफ़ी स्टूडेंट्सों को उसका लाभ भी मिल रहा है और उम्मीद भी बनी है क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का सपना टूट गया था जी, तो इसमें प्रयास हमारे जो जिस विधानसभा में है जेवर विधायक धीरेंद्र जी का भी रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा भी की है जी, तो आप भी इस परीक्षा को देने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? सर जो ये सर 3 साल का जो सर रिलैक्सेशन मिला है तो सर ये बच्चों के लिए सर एक वरदान ही है और मैं चाहता हूँ सर जो ये मतलब प्रक्रिया जो चली है तो ये सर निष्पक्ष पेपर होना चाहिए और अच्छे तरीके से ये आगे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ पेपर निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर हम भी सर यूपी कांस्टेबल की कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो सरकार ने घोषणा की है? सर अच्छा ही हुआ है सर जो मिला है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? अच्छा सचिन जी, आप हाल ही में जो घोषणा सरकार ने की है इसके बारे में क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलेगा? बहुत ही अच्छा किया सरकार ने, माननीय अपने विधायक धीरेंद्र जी और संजय शर्मा जी ने, इनके अच्छे प्रयास से सभी को मौका मिला है, मैं भी था उसमें, मैं भी ओवरेज हो गया था, मुझे भी मिला है। अच्छा, आप जब ये घोषणा हुई तो आपकी उम्मीद टूट गई होगी? हाँ, बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन अब आप सब बढ़िया है, अभी खुशी हो रही है। तो आपका कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 2 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते। तो अब आपको उम्मीद है कि आप परीक्षा देंगे और वर्दी आपके जी बदन पर होगी? उम्मीद हो रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम बसंत शर्मा है, केलिया से है। तो बसंत जी, ये जो सरकार की घोषणा है, ये उम्र सीमा जो बढ़ाई गई है और इसमें जो है कुछ रोल हमारे विधायक धीरेंद्र जी का भी है, योगी जी ने 3 साल बढ़ा दिए है, तो आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी इसका फ़ायदा मिल रहा होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, योगी सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। हालांकि मेरी ये दरखास्त है कि भर्ती हर साल भी आनी चाहिए, अगले साल भी ये आए और हर 5 साल में आने की बजाय हर साल आनी चाहिए, इस पर भी कुछ कदम उठाए सरकार। अच्छा शर्मा जी, आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं तो जी 1.5 साल से कर रहा हूँ। अब आपको उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद पूरी हो जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं यहीं पास के गांव ताड़ली के रहने वाली हूँ। अच्छा नीलम जी, अभी हाल ही में घोषणा की है सरकार ने भर्ती की, पुलिस भर्ती की, जिससे आप लोगों को उम्मीद बंधी थी लेकिन उम्र कम थी, अब हाल ही में सरकार ने घोषणा की, जेवर विधायक हमारे धीरेंद्र जी हैं, उनका भी प्रयास रहा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो सेल्फ डिपेंड हो और सबसे ज़्यादा लड़कियों को
क्योंकि आज के टाइम में मोदी जी ने चला रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबसे ज्यादा लड़कियों को मिला है मौका, तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है। और मेरी तो वैसे एज नहीं है, मुझे तो इस चीज का फायदा नहीं मिला है, बट फिर भी उन बच्चों के तरफ से मैं ही बोलना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग। आप कब से तैयारी कर रही हैं इसकी? तैयारी तो मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं इस कोचिंग सेंटर से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। और कोचिंग सेंटर जहाँ आप ये ले रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी सरकार से, क्योंकि पिछले 5 साल से अब जाके भर्ती देखने को मिली है हमें, तो ये ज्यादा डिले ना हो, जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हम ओवर एज हो जाएंगे फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलने वाला। मतलब ये प्रोसेस जो चल रहा है वो हमें भर्ती पूरी कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है, फैमिली का भी बहुत सुनना पड़ रहा है और समाज का भी बहुत सुनना पड़ रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ये भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो बस, जो अभी नोटिफिकेशन निकला है इसकी भर्ती जल्दी जल्दी। हाँ जी, पूरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद 1-2 साल, फिर चुनाव होने के बाद में तो सरकार थोड़ी ठंडी पड़ी जाती है, आप सबको पता है, तो इसलिए वो चुनाव से पहले ही खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए, क्योंकि हम तो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी कंप्लीट है तैयारी, हम तो बिल्कुल तैयार है, चाहे फरवरी में हो मार्च में हो एग्जाम जब भी हो हम तैयार है पूरे। क्या उम्मीद है आपको आप परीक्षा देंगे? उम्मीद तो हम तो अपना 100% देंगे, ऐसे हम तो पूरे तैयार है क्योंकि हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपने भी कहा था कि सरकार केवल चुनाव के समय पर ही गंभीर होती है, उसके बाद गंभीरता कम हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल कम हो जाती है, नहीं क्योंकि उन्हें वोट बैंक भी तो बनाना पड़ता है अपना, तो इसलिए थोड़ा वो गंभीरता से लेते हैं। अभी जो स्टूडेंट अब जाके उन्होंने अपनी एज को लेके जो मुद्दा उठाया है, अगर ये चुनाव से पहले होती तो शायद बच्चों की नहीं सुनी जाती, और ये चुनाव के टाइम में है तो इसलिए बच्चों की सुन ली है, और सुन लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? दशमा शर्मा नाम है मेरा, लड़पुरा से रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ की रहने वाली है? दशमा शर्मा नाम है मेरा, लड़पुरा की रहने वाली हूँ। अगर दक्षिणा जी, ये जो सरकार ने घोषणा की कई साल में भर्ती निकली, उम्मीद बंधी है स्टूडेंट्स को, और अभी हाल ही में सरकार ने सीमा भी बढ़ाई है उसकी 3 साल उम्र सीमा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? धीरेंद्र जी ने भी प्रयास किया जो हमारे विधायक हैं, इसके लिए तो मैं सबके अकॉर्डिंग में बोलना चाहूंगी ये वाला मैटर उन्होंने सही बनाया, क्योंकि मैं खुद एक के अगेंस्ट नहीं जा सकती, मैं सबके फेवर में बोलना चाहती हूँ कि ये मैटर आपने उन्होंने सही बनाया कि मतलब कि एज बढ़ा दी है और सबको मौका मिलेगा आपकी एग्जाम देने का, अपना सारा प्रयास करने का जो इतने दिन से इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो आखिरकार कामयाब होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के जो गौरव धीरेन्द्र सिंह है उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उन्होंने जैसे स्टूडेंट्स के बारे में सोचा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? जब उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, स्टूडेंट्स को भी अच्छा सोचना चाहिए, और मैं भी बस यही सोचूंगी कि उन्होंने जो भी किया ना सबके लिए बेस्ट किया है, स्टूडेंट और स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिला है तो ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कामयाबी को हासिल करने के इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यार इट्स अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ओवर द ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। क्या उम्मीद है आप परीक्षा देंगी? उम्मीद तो मेरी अच्छी है कि उम्मीद बस इतनी है कि हाँ बस कामयाबी मिले मुझे। अच्छा, आपसे पहले किसी और परीक्षा में बैठे हैं? हाँ जी, मतलब कि अभी हाइट नहीं है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैंने प्रयास किया था कि हाँ सब में दूँ मैं, तो एक एक दो दिन में से रह जा रही, बट फाइनली मेरा होता है कि हाँ दिल्ली पुलिस की दी थी मैंने इस बार। एज कितनी हो गई? 21 ईयर ओल्ड। हाइट तो बढ़ना पड़ेगा? नो सर।